हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे चैनल इंडिया मान पर। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपने अमेज़ॉन FBA बिजनेस के लिए US बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। हम इस वीडियो में इस टॉपिक को बड़ी बारीकी में कवर करेंगे और सारे प्रोसेस को देखेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश, और ये भी देखेंगे कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट्स लगेगी टू ओपन योर US बैंक अकाउंट फॉर योर US बिजनेस। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि व्हाई डू यू नीड अ US बैंक अकाउंट। मतलब आपको एक US बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो पड़ेगी क्यों, राइट? सबसे पहला और ऑब्वियस रीज़न तो ये है कि यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू फंड योर बिजनेस लेजिटिमेटली, राइट? इसको सही तरीके से अगर आपको फंड करना है अपने बिजनेस को, तो आपको अपने बिजनेस के साथ एक बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें आप एक स्टार्टअप कैपिटल डालोगे जिसको यूज़ करके आप अपना बिजनेस शुरू करोगे और वहीं से आपका बिजनेस ग्रो होगा। आपको आइडियली अपने पर्सनल एसेट्स, पर्सनल अकाउंट्स अपने बिजनेस से एफिलिएट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा रीज़न है टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। जब भी आप अमेज़ॉन पर रेवेन्यू जनरेट करोगे, अमेज़ॉन को उस फंड्स को कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप अमेज़ॉन पर एज अ बिजनेस रजिस्टर कर रहे हो और स्पेसिफिकली एज अ US बिजनेस रजिस्टर कर रहे हो, तो आपके पास US बैंक अकाउंट होना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन गेट द पेमेंट्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाई अमेज़ॉन एवरी 14 डेज। इसके साथ साथ अगर आपको स्ट्राइप अकाउंट बनाना है या पेपैल अकाउंट बनाना है फॉर योर US बिजनेस एंड यू वांट टू एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम US ऑडियंस, देन यू नीड टू हैव अ US बैंक अकाउंट। तीसरा ऑब्वियस रीजन है टू सेंड आउट द पेमेंट्स। जब आप अपना बिजनेस शुरू कर दोगे और आपने अपने बिजनेस को स्टार्टअप कैपिटल के साथ फंडिंग कर दी है, आपने बिजनेस के अकाउंट में पैसे डाल दिया है, उसके बाद आपको सप्लायर्स के बिल पे करने पड़ेंगे, फ्रेट फॉरवर्ड्स के बिल पे करने पड़ेंगे, आप अगर किसी फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हो या फिर अगर आपके पास खुद के एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको उनके स्टाइपेंड्स रिलीज करने पड़ेंगे, सैलरी रिलीज करनी पड़ेगी। इसीलिए आपके पास एक US बिजनेस से अफिलिएटेड US बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। फोर्थ रीजन इज टू हैव द एबिलिटी टू इशू वर्चुअल कार्ड्स। जब आपके पास एक US का बैंक अकाउंट होगा, आप उस बैंक अकाउंट से अफिलिएटेड मल्टीपल वर्चुअल कार्ड्स जनरेट कर सकते हो। इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स और मल्टीपल एम्प्लॉयज, यू कैन इशू अ कार्ड टू ईच वन ऑफ देम विद अ लिमिटेड कंट्रोल्ड बैलेंस, जिससे कि आप अपने काम को कभी कभी डेलीगेट कर दो। हो सकता है कि आपके पास एक टीम मेंबर है जो प्रोक्योरमेंट करता है या सैम्पलिंग करता है और उसके पास थोड़ा सा बजट होना चाहिए, तो आप उनको भी एक कार्ड इशू करके दे सकते हो। तो इशूइंग वर्चुअल कार्ड्स इज पॉसिबल इफ यू हैव अ US बैंक अकाउंट, स्पेशली विद द बैंक दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग विद टुडे। एंड द फाइनल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू हैव अ US बैंक अकाउंट फॉर योर US बिजनेस इज टू बी एबल टू पोटेंशियली टेक बिजनेस लोन्स इन द फ्यूचर। अगर आपको अपने बिजनेस के अगेंस्ट, अपने बिजनेस के ग्रोथ के अगेंस्ट लोन्स लेना है या कैपिटल रेज करना है या फंडिंग उठानी है, तो आपको अपनी बिजनेस की ट्रेजेक्ट्री दिखानी पड़ेगी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप मंथ ऑन मंथ कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हो आज तक। अगर आपने अपना बिजनेस शुरू किया है तब आप ये प्रॉपरली मेंटेन कर पाओगे और ट्रैक कर पाओगे यूजिंग योर US बैंक अकाउंट। एंड द फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये भी है कि अगर आपके पास एक US बैंक अकाउंट है विच इज़ अफिलिएटेड विथ योर US बिजनेस, देन यू विल बी एबल टू होल्ड योर अर्निंग्स इन डॉलर्स। और जैसा कि आप जानते हो कि US डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, जब भी आपको सप्लायर्स इन्वॉइस रेज करेंगे चाइना में तो आपको USD में ही रेज करेंगे इन्वॉइस, जब आपको अमेज़ॉन पे करेगा तो USD में ही पे करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके कन्वर्जन के खर्चे बच जाएंगे। आप जिस करेंसी में मेनली बिजनेस कर रहे हो जो कि USD होगा, उसी में आप अपने पैसों को होल्ड कर सकते हो अनटिल रिक्वायर्ड फॉर यू टू कन्वर्ट इट। समझ लो अगर आपको सैलरी विड्रॉ करनी है, तो जब आप अपनी सैलरी वहाँ से विड्रॉ करोगे, जो एक ऑब्वियसली छोटा सा फंड होगा, छोटा सा वैल्यू होगा, सिर्फ उतना ही कन्वर्ट होगा INR में, बाकी सब आप USD में परमानेंटली होल्ड कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है टू एंश्योर दैट यू आर नॉट लूजिंग मनी इन कन्वर्जन्स व्हेन यू आर गेटिंग पेमेंट्स फ्रॉम Amazon एंड यू आर सेंडिंग आउट पेमेंट्स टू योर सप्लायर्स। तो आई होप आप सबको अब ये आइडिया लग गया है कि US बैंक अकाउंट होने के क्या बेनिफिट्स हैं, और एक बार अगर आप US बैंक अकाउंट ओपन कर लो उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो जस्ट लाइक माई सेल्फ, और अगर आपको एक US बैंक अकाउंट खोलना है, तो आपके पास एक US रजिस्टर्ड बिजनेस होना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये जानना है कि आप अपना US बिजनेस कैसे रजिस्टर कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। इस वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में आपको ये बताया है कि आप स्टार्ट टू फिनिश
कैसे अपना US बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो, कितने दिन लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या स्टेप्स हैं, सब कुछ। और इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में ये भी बताया कि आप कैसे मेरे साथ जुड़कर अपना US बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो एट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइसेस कंपेयर टू व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली। तो हमने ये तो देख लिया कि आपको अपना US बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने की क्यों जरूरत पड़ेगी, उसके क्या रीजंस है, क्या बेनिफिट्स है। अब ये देखते हैं कि इस पूरे वीडियो में हम आगे क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप कौन से बैंक अकाउंट को यूज करोगे, राइट। सेकेंड, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मुझे कितने दिन लगे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से डिटेल्स लगेंगे जो आपको अपलोड करने चाहिए। और इसके साथ मैंने एक टेम्पलेट भी आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है जिसको आप पहले ही भर सकते हो बिफोर यू स्टार्ट योर बैंक एप्लीकेशन ऑनलाइन, सो दैट आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अपना एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी खत्म कर पाओ। फाइनली मैं आपको एक डेमो अकाउंट भी दिखाऊंगा जो आपको ये दिखाएगा कि आपके पास एक बार बैंक अकाउंट का एक्सेस आ जाता है तो उसके अंदर लॉगिन करने के बाद कैसा दिखता है और वहाँ पे आप कौन से ऑप्शंस देख सकते हो, कौन से व्यूज देख सकते हो, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कितने फंड्स हैं और कितना ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें। फाइनली वीडियो एंड करने के पहले हम एक रैपिड FAQ भी देखेंगे और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो आपके माइंड में होंगे वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आप अपने Amazon FBA बिजनेस के लिए या फिर किसी भी बिजनेस के लिए एक US बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहला और ऑब्वियस क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा वो ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट खोलोगे कहाँ। कुछ सालों पहले तक अगर आपको अपने US बिजनेस के लिए अपना बैंक अकाउंट खोलना होता था तो आपको फिजिकली US ट्रैवल करना पड़ता था, मतलब आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वीज़ा मिलेगा, अगर मिलेगा तो आप US ट्रैवल कर पाओगे और उसके बाद ही आप अपना US बैंक अकाउंट खोल सकते थे। पर अब आपको ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप बिना US जाए अपने US बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट खोल सकते हो विथ Mercury बैंक। अब Mercury बैंक है क्या? Mercury बैंक बेसिकली एक ऑनलाइन फर्स्ट बैंकिंग स्टार्टअप है बेस्ड इन द US विच प्रोवाइड्स यू बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट, जो एक US बैंक है। इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट एक बहुत ही पुराना US बैंक है जो 1925 में स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब ये है कि इसके बैकएंड में, जो Mercury के बैकएंड में जो बैंक है उसका हिस्ट्री सॉलिड है और वो बहुत ही रिलायबल एंड स्टेबल बैंक है। एंड क्योंकि Mercury बैंक इवॉल्व बैंक का बैकएंड यूज़ कर रहा है जो एक FDIC इंश्योर्ड बैंक है, आपके जो पैसे Mercury बैंक में रखे जाएंगे, जो आप स्टोर करोगे, जो आप सेव करोगे, वो सारा कैपिटल इंश्योर्ड होगा अप टू 1.86 crore, which is equal to 250,000 US dollars. इसका मतलब ये कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी पैसा Mercury में रहेगा अप टू 250,000 dollars, इट विल बी 100% insured by Mercury बैंक which is backed by इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट USA. अब चलो देखते हैं कि मेरा टाइमलाइन कैसा था, मुझे कितने दिन लगे अपने Mercury बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, कितने दिन लगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में और क्या स्टेप्स थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पूरे प्रोसेस में मुझे सिर्फ 6 दिन लगे थे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपने ईमेल का स्क्रीनशॉट डाल रखा है, राइट। तो मैंने 20th May 2021 पे अपना एप्लीकेशन कंप्लीट किया था और सबमिट किया था। उसके बाद एक रिव्यू प्रोसेस होता है जब वो हमारा एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ ऊपर 26th को मुझे मेल आ गया कि माई अकाउंट वॉज रेडी टू यूज़ एंड Mercury sent me all the account details that I needed to know so that I could transfer the funds and get my business started, right? इसके साथ साथ वो एक डेबिट कार्ड भी सेंड कर देते हैं, जो भी हम US business address provide करेंगे उनको, उस address पे वो एक डेबिट कार्ड भी सेंड कर देंगे और आपको एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी इशू हो जाएगा जो आप अपने Amazon अकाउंट में यूज़ कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ओर और देखते हैं कि हम Mercury बैंक एप्लीकेशन का एप्लीकेशन कैसे भर सकते हैं और आपको कौन से डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द लाइव डेमो, मैं आपको ये बता दूं कि आपको कौन से इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स लगेंगे टू एक्चुअली सक्सेसफुली कंप्लीट योर Mercury एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपको अपने कंपनी का इन्फॉर्मेशन लगेगा, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ये सारी चीज़ें। फिर आपको कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगेंगे, मतलब आपके पास एक कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, राइट। आपको अपने ओनर्स के डिटेल्स लगेंगे, अगर आप एक इंडिविजुअल ओनर हो तो सिर्फ आपके डिटेल्स लगेंगे, पर अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो उनकी डिटेल्स लगेंगे।
राइट, और इसके साथ साथ कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आपके EIN नंबर का स्क्रीनशॉट या सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, वो लगेगा जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट। सो चलते हैं mercury.com पर और पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश देखते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे भरा जाता है और इसमें कौन से डिटेल्स लगेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जहां पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप अपना US बैंक अकाउंट Mercury के साथ कैसे ओपन कर सकते हो, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हो और कौन से डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे। तो बिना टाइम जाया किए क्लिक करते हैं ओपन एन अकाउंट पे और यहां पे अपना डिटेल्स डालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डालना है अपना नाम, सरनेम, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, आपको, आप सबको मेरा ये ईमेल एड्रेस तो पता ही है, एंड आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो पासवर्ड डाल दिया हमने, ठीक है, और हम क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, होपफुली, लेट्स वेट फॉर इट, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपडेट पासवर्ड में क्लिक कर दिया है। कंपनी का नाम फिलहाल मैं एक डेमो कंपनी का नाम क्रिएट कर रहा हूँ, तो कंपनी का नाम मैंने लिख दिया है सेफोरा। आई थिंक इस नाम की कंपनी ऑलरेडी एक्सिस्ट करती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज नॉट माय कंपनी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका रोल, अगर आप एक CFO हो तो आपको CFO करना है, इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर करना है, अगर आप कोई और हो, अगर आप इस बिजनेस के ओनर नहीं हो तो वो करना है, बट मेरे हिसाब से आप में से सारे लोग इन्वेस्टर फाउंडर ही होंगे, तो आपको यहाँ पे फाउंडर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक URL सेलेक्ट करना है और ये देखना है कि क्या आप ये URL यूज़ कर सकते हो या नहीं। अगर आपका ब्रांड नेम यूनिक है, बिजनेस नेम यूनिक है, तो आपका ये URL पास हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली और आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे जैसा कि आप दिखा रहा है कि ये नहीं है, तो मैं यहाँ पे बस रैंडमली फिलहाल डाल दूंगा 2022, बिकॉज ये एक रियल बिजनेस नहीं है। मैं सिर्फ एक डेमो क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये करना कैसे है। लुक्स गुड में आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है इज योर कंपनी एनी ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्ड SEC पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी मेजरली। यहाँ पर जैसा कि आप ये सब पढ़ सकते हो, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे लिए जनरली कुछ भी वैलिड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे नन ऑफ द अबव में क्लिक करना है एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओके, लेट्स गो। सो दिस इज़ अ लाइव डेमो, तो यहाँ पे अगर कोई गलती होती है तो माफ़ कर दो, बिकॉज ये एक लाइव डेमो है और यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रहा हूँ जो आपको एक्चुअली दिखेगा जब आप इस प्रोसेस करोगे, और मुझे लगता नहीं कि ये प्रोसेस बदलेगा अगले कुछ महीने तक, महीनों तक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, तो अब आपको डिटेल्स भरना शुरू करना है यहाँ पे। तो ऑलराइट दोस्तों, तो आई होप आप सबको इस वीडियो में बहुत सारा सीखने मिल रहा है, बहुत सारी वैल्यू मिल रही है और आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि कैसे आप अपना US बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक फॉलो किया है तो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल दी एंड, इसे आखिरी तक जरूर देखो, नोट्स बनाओ, राइट, तो लाइक बटन दबा दो ताकि YouTube आपको पता चले कि ये वीडियो यूजफुल है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिल रहा है लोगों को और इस वीडियो को और भी लोग डिस्कवर पाएं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन को जरूर देख लेना, वहां पे सारे लिंक्स डाल दिए जाएंगे। और अगर आप मिशन फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है तो मिशन फॉर्म जरूर भर दो, बिकॉज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है Delta 4 Commerce कोर्स, जो आपको ऐसे ही डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको स्टार्ट टू फिनिश ये सिखाएगा कि आप कैसे अपना Amazon FBA e-commerce बिजनेस लॉन्च कर सकते हो इन US बाय बीइंग इन इंडिया। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने जैसा कि आपको बताया एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने एक मॉक डिटेल्स डाल रखी है और एक टेम्पलेट भी बनाया है जिसका आप प्रिंट आउट लेकर या फिर ऑनलाइन ही आप उसको डिटेल्स भर सकते हो बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट योर एप्लीकेशन। सो लेट मी शो यू द टेम्पलेट रियल क्विक। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक टेम्पलेट वाली फाइल है जहाँ पे मैंने बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी डाल रखे हैं ताकि इस चीज़ को मैं बहुत ही जल्दी करके आपको दिखा सकूं, राइट। और उसके साथ आखिरी में दो पेजेस में मैंने एक टेम्पलेट भी बनाया है जहाँ पे आप अपने डिटेल्स फिल कर सकते हो और उसके बाद आप अपना Mercury एप्लीकेशन शुरू कर सकते हो, जिससे कि आपका पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाए। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिटेल्स कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और अपना एप्लीकेशन फिल करते हैं। बिजनेस का नाम सेफोरा, बिजनेस की वेबसाइट फिलहाल ये, बिकॉज मैं सबमिट नहीं करूँगा तो मैं यहाँ पे ये रहने दूंगा। इसका लीगल बिजनेस नेम जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, समझ लो कि मैंने सी कॉर्प रजिस्टर किया तो मेरा बिजनेस का नाम कुछ ऐसा हो सकता है, राइट। यहाँ जो मैंने ऊपर डाला है ये एक शॉर्ट नेम है, इसको पूरा बिजनेस का नाम यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना EIN नंबर डालना है जो आपको मिलेगा, ये कोई असली EIN नंबर नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक डेमो के लिए EIN नंबर डाल रखा है, राइट। कंपनी का टाइप, जो भी आपकी कंपनी का टाइप है, इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन लाइक मी यू ओनली हैव दीज टू ऑप्शंस, बाकी सारे ऑप्शंस आपके लिए पॉसिबल नहीं होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सी कॉर्प एंड
यहाँ पे आपको अपना इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ये सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें से आपका क्या हो सकता है। इस केस में होगा ई कॉमर्स अमेजॉन, राइट। डिस्क्राइब योर बिजनेस, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बना रखा है अपना, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और व्हाट विल यू यूज दिस बिजनेस अकाउंट फॉर, वी विल यूज दिस फॉर प्राइमरी ट्रांजैक्शंस, फैक्ट्री पे आउट्स, एम्प्लॉय स्टाइपेंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। डिस्क्राइब द आइटम्स यू विल सेल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे आपको डिटेल्स में लिखना है कि क्या आइटम सेल करोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी आई लाइनर्स, राइट, फेस मास्क, जो भी आप प्रोडक्ट्स बेचने की सोच रहे हो। अगर आपको यूजुअली सोचना चाहिए कि मेरे ब्रांड के अंदर या बिजनेस के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं आगे चल के भी, और आप यहाँ पे वो सारे डिटेल्स डाल सकते हो। Amazon स्टोर फ्रंट लिंक आपको डालने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने Amazon अकाउंट रजिस्टर नहीं किया है तो ये होगा नहीं आपके पास। इन्वेस्टर्स अगर है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, राइट। और आपको यहाँ पे फिर क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने कंट्री बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। अगेन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे बिकॉज ये यूएस बिजनेस होगा, राइट। इसके बाद मुझे अपना यूएस बिजनेस का एड्रेस कॉपी करना है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, टेम्पररी वाला एड्रेस, राइट। ऐसा ही कुछ एड्रेस आपको मिलेगा अगर आप रजिस्टर्ड एजेंट से एड्रेस लोगे, और आपको बस वो डिटेल्स यहाँ पे डालनी है जैसा कि मैं डाल रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है। अब यहाँ पे आप अपना इंडियन फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे नंबर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझ लो अपना इंडियन फ़ोन नंबर डाल दिया है, और जब मैंने अप्लाई किया था मर्क्यूरी पे तो मैंने इंडियन फ़ोन नंबर ही डाला था, और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट मैं आगे वाले वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि आप कैसे एक US फ़ोन नंबर ले सकते हो। इट विल कॉस्ट यू सम मनी पर मंथ, बट आप कैसे उसे ले सकते हो और कैसे अपना US फ़ोन नंबर भी यहाँ डाल सकते हो, मैं आपको ये अगले वीडियो में बता दूंगा। ओनर की प्रोफाइल यहाँ पे ऑलरेडी इसने प्री फिल कर लिया है, बिकॉज ये डिटेल्स मैंने शुरू में डाल दी थी। तो मेरा नाम सरनेम यहाँ आ गया है, और यहाँ पे ईमेल आ गया है, जॉब टाइटल आ गया है, और ओनरशिप परसेंटेज क्या है इस केस में, 100% इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल ओनर। बट अगर आप एक यू नो पार्शियल ओनर हो तो यहाँ पे आप 50, 60, 40 जो भी आपका स्टेक है कंपनी में आप वो डाल सकते हो, राइट। इसके बाद आपको अपने ही डिटेल्स भरने हैं, आपको अपना सिटीजनशिप स्टेटस डालना है जो नॉन सिटीजन होगा इस केस में, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 03-25-93, 03-25-93, राइट। पहले मंथ है, फिर डे है, डेट है, फिर ईयर है, ठीक है। फ़ोन नंबर फिर से हम वही वाला फ़ोन नंबर पिक कर लेंगे जो हमने पहले डाल रखा था। आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट, इट इज़ आस्किंग फॉर आर पासपोर्ट, तो पासपोर्ट ही अपलोड कर सकते हैं हम। ये हमें बता रहा है कि पासपोर्ट कैसे होना चाहिए जब आप इसे अपलोड करो, तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जाकर। मैंने अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद हमें अपना होम एड्रेस डालना है जो आपका इंडियन एड्रेस होगा, US एड्रेस नहीं होगा, बिकॉज US एड्रेस आपके पास सिर्फ बिजनेस का है, होम का नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना होम एड्रेस डाल देता हूँ, तो देखो ये कैसे सारे फील्ड्स को वेरीफाई भी कर रहा है, बट आई डोंट थिंक ये वैलिडेट कर रहा है, ये बस अभी फिलहाल ये चेक कर रहा है कि आपने यहाँ डिटेल डाली है कि नहीं डाली है, राइट। पॉलिटिकल एक्सपोजर, ऑब्वियसली नो। अगर आपने से किसी का भी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है तो आपको यहाँ यस करना पड़ सकता है, राइट। सोशल प्रोफाइल आप डाल सकते हो, ये ऑप्शन है। लिंक्डइन प्रोफाइल है तो लिंक्डइन प्रोफाइल डाल सकते हो, राइट। जो भी आपको सही लगता है आप वो डाल सकते हो। आई हियर बाय सर्टिफाई that all beneficial owners have been listed above. अगर आप में आप अगर एक मल्टीपल ओनरशिप वाला कंपनी बना रहे हो, मतलब अगर आपके पार्टनर्स हैं और अगर आप में से किसी भी पार्टनर का ओनरशिप 25 से ज़्यादा है, 25% से ज़्यादा है, तो आपको उन सब का डिटेल्स यहाँ डालना पड़ेगा एड को फाउंडर में बटन में क्लिक करने के बाद, राइट। पर अगर नहीं है, अगर आप एक इंडिविजुअल ओनर हो तो आप इसे चेक कर दो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। उसके बाद बिजनेस नेम, डज योर कंपनी हैव अ DBA डूइंग बिजनेस एज और एन ऑफिशियल नेम चेंज। अगर आपकी कंपनी का पहले नाम बदला था तो आपको ये करना है येस, बट इस केस में मेजोरिटी ऑफ यू विल नीड टू सेलेक्ट नो, सो जस्ट सेलेक्ट नो। इफ यू वॉन्ट टू हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस, यू कैन आस्क मारिया अबाउट दिस कि ये होता क्या है बिफोर यू क्लिक येस और नो, ठीक है। फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप जाकर वो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपको मिला होगा आपने आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद। अगेन दिस इज समथिंग दैट मारिया विल प्रोवाइड यू इफ यू आर वर्किंग विद अस,
राइट, एंड यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको अपना ई आई एन सर्टिफिकेट डालना है। तो अगर आपके पास ई आई एन का सर्टिफिकेट ऑफिशियल वाला नहीं आया है तो आप यहाँ पे ई आई एन सर्टिफिकेट का स्क्रीन शॉट भी अपलोड कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो अपलोड अ स्क्रीन शॉट एंड यू आर डन। All you have to do after this is click on review your application. इसके बाद आप अपना application review कर पाओगे ऐसे ही top to bottom, जैसा कि मेरे screen में आपको दिख रहा है। ये exact same चीज़ आप अपने screen पर देख पाओगे। तो आपको बस अपना सारे details को review करना है, spelling review करना है, address should be perfect, your passport should have the same address as the address that you've provided here. तो वो address match होना चाहिए, आपका number correct होना चाहिए और सारे details correct होने चाहिए, right? और उसके बाद आपको कुछ नहीं, यहाँ पे agree and submit पर click करना है। जैसे ही आप agree and submit पर click करोगे आपके स्क्रीन पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको एक कंफर्मेशन स्क्रीन दिखने लग जाएगी कुछ इस तरह। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो आपको एक ईमेल कंफर्मेशन भी आ जाएगा जो कुछ इस तरह दिखेगा। मैं अपने स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा मेरा ईमेल कंफर्मेशन, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 5 से 7 दिन वेट करना है फॉर एन अपडेट फ्रॉम mercury.com for your review to be finished. इसके साथ साथ आपका application submit करने के बाद आपको 4 और steps दिखेंगे, जो है basically to set up your 2-factor authentication, जिससे आपका login और secure हो जाए। आपको अपने team के details डालने हैं, अगर आप एक individual owner हो सब सिर्फ आपको अपने खुद के details डालने हैं। उसके बाद आपको अपने card के details डालने हैं, आपके company के card के ऊपर क्या name दिखेगा ये आप पहले से set up कर सकते हो। और इसके बाद आपको अपने डेबिट कार्ड्स का रिक्वेस्ट सबमिट करना है, अगर आपको वो डेबिट कार्ड्स फिजिकल कॉपी चाहिए या फिर सिर्फ वर्चुअल कॉपी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 जो एडिशनल स्टेप्स है ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई नई डिटेल्स नहीं लगेगी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, आपको बस यहाँ लेट्स गो पे क्लिक करना है और अपने स्टेप्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपके पास Mercury से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा जो कुछ इस तरह दिखेगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। और इस मेल में आपके पास एक PDF डॉक्यूमेंट भी आएगा जिसमें आपके बैंक अकाउंट के सारे डिटेल्स होंगे जो आप यूज करके अपना Amazon रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसको यूज करके आप अपने अकाउंट को फंड भी कर सकते हो। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं इंडिया से अपने US बैंक अकाउंट में तो इस PDF में वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि एक बार आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद अंदर का व्यू कैसा दिखता है यूजिंग अ डेमो अकाउंट प्रोवाइडेड बाय Mercury। सो लेट मी जस्ट शो यू कि अंदर कैसा दिखता है जब आप लॉग इन करोगे तो आपको कैसा व्यू दिखेगा और कौन से डिटेल्स दिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ ऑलरेडी एडवांस में, क्योंकि आपका अकाउंट ओपन हो चुका होगा उसके बाद ही आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है आपको कुछ नहीं करना है, आपको mercury.com पे आना है जैसा कि मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, और आपको अपने लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉग इन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड और ईमेल एड्रेस डालना है, राइट। ये जब आप डालोगे उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा कोड डालना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी सेटअप कर चुके होंगे यूजिंग गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। दिस इज वन ऑफ द 4 स्टेप्स जो आपको कंप्लीट करना था जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, राइट। तो यहां पे मैं अगर अपना कोड डालूंगा उसके बाद मैं लॉग इन हो जाऊंगा और मैं आपको ये दिखाता हूं कि लॉग इन होने के बाद आपको क्या दिखेगा। तो एक बार आप अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाते हो उसके बाद आपका कुछ ऐसा व्यू खुल जाएगा जहां पे आपको सबसे पहले तो वेलकम आपके नाम के साथ वेलकम दिखेगा, आपको अपने कंपनी का नाम दिखेगा यहां टॉप पे जैसा कि आप देख सकते हो ऑन द लेफ्ट साइड मेरे कर्सर के पास, और आपको यहां रीसेंट ट्रांजैक्शंस का डेटा दिखेगा जो ऑब्वियसली एम्प्टी होगा जब आपका अकाउंट एकदम नया नया खुला है, यहां पे कोई डिटेल्स नहीं होंगे। ये एक डेमो अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, और आप इसके साथ खुद भी खेल सकते हो और देख सकते हो कि ये कैसे काम कर सकता है बाय गोइंग टू demo.mercury.com, राइट। एंड सॉरी मेरा कैमरा बंद हो चुका है तो मैं अब बिना कैमरा के ही आपके साथ इंटरेक्ट कर लेता हूं और मैं आपको बताता हूं कि ये क्या आप स्क्रीन पर देख रहे हो और इसमें आपको कैसे इंटरेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहां पे एक आपका ग्राफ दिखेगा जो यूजुअली अनफॉर्चुनेटली इन द बिगिनिंग विल बी एम्प्टी बिकॉज आपके पास यहां पे पैसे नहीं होंगे, बट जैसे ही आप अपने अकाउंट में पैसे डालोगे या फिर अगर Amazon से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो यहां पे आपको एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा नंबर दिखने लग जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस क्या है, राइट। और इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि डे ऑन डे कितना बैलेंस चेंज हुआ है, और यहां पे आप you know, इससे थोड़े मजे ले सकते हो जब आपका बिजनेस ग्रो होने लग जाए और आप इसमें फंड्स आने लग जाए आपके पास, राइट। नीचे आपको ये दिखेगा कि लास्ट 30 डेज में कितने ट्रांजैक्शंस बाहर गए हैं, मतलब आपने कितने पे आउट्स किए हैं, और लास्ट 30 डेज में आपके कितने पे इन्स आए हैं, मतलब इनकमिंग ट्रांजैक्शंस कितने आए हैं, वो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा, राइट। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में यहाँ ट्रांजैक्शंस ऑप्शन पे क्लिक करके ये देख सकते हो कि सारे ट्रांजैक्शंस आपके जो डे ऑन डे हुए हैं हर डेट के साथ आपको वो सारे डिटेल्स दिखेंगे, और किसी भी ट्रांजैक्शन में आप क्लिक करके उसके और भी डिटेल्स यहाँ देख सकते हो। इसके बाद अगर आप कार्ड ऑप्शन में क्लिक करोगे तो कार्ड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको वो सारे कार्ड्स दिखेंगे जो आपको
जब जो आपने इशू किए होंगे, हो सकता है आपके टीम में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हो या फिर आपके टीम में पार्टनर्स हो, तो आप मल्टीपल कार्ड्स इशू कर सकते हो और आप यहाँ देख सकते हो कि हर कार्ड के अगेंस्ट कितने खर्चे हुए हैं। इसके बाद आप अकाउंट्स पे क्लिक करके अकाउंट्स भी देख सकते हो, जितने भी आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करोगे वो सारे डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो। आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, हो सकता है आपको एक ऐसा अकाउंट बनाना है जहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन के खर्चे कटे, मतलब समझ लो आपने हीलियम 10 लिया है या फिर आपने सेलर बोर्ड खरीदा है या फिर अमेजोन का जो चार्ज होता है वो वहां से कटे। और अगर आपको एक दूसरा अकाउंट बनाना है जहां पे आप फैक्ट्री के लिए फंड रखो या फिर तीसरा अकाउंट बनाना है जहां पे एक प्रॉफिट मैनेज करो, तो आप यहां पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और यहां पे जितने अकाउंट्स आप चाहोगे आप उतने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। इसके बाद अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको यहाँ पे टॉप राइट में एक बटन दिख रहा है मूव मनी नाम का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पे समवन। इसी ऑप्शन को यूज करके मैं अपने आप को भी पेमेंट कर सकता हूँ, राइट। अगर मुझे सैलरी ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके आगे बढ़ सकता हूँ। मैं एक रिकरिंग पेमेंट का ऑप्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे मंथली अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकालने हैं, अगर वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने लग गया है तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे किसी एम्प्लॉय को हर मंथ पे करना है तो मैं यहाँ पे उसको सेट कर सकता हूँ, तो मुझे हर मंथ इसको मैनुअली आके सेंड नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में मेरे पास 5-6 अकाउंट हैं, तो मैं इन अकाउंट के बीच में भी पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, एंड आई कैन ऑल्सो ऐड और रिसीव फंड्स फ्रॉम समबडी एल्स, राइट। सो ये सारे ऑप्शन हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक डेमो अकाउंट है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये था एक छोटा सा टूर जिससे आपको ये भी आइडिया लग गया है कि जब आपका अकाउंट खुल जाता है आपको कैसा दिखेगा और कौन से डिटेल्स आपको दिखेंगे। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ इंसाइट मिल गए हो, आपको बहुत सारी एक्साइटमेंट भी मिल गई हो और आपको ये भी पता चल गया है कि ये कैसा दिखेगा और पूरा प्रोसेस कैसे होगा। चलो बढ़ते हैं आगे रैपिड एफएक्यू की तरफ। तो फाइनली हम आ गए हैं हमारे रैपिड एफएक्यू सेक्शन में, जहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बहुत ही फास्ट आंसर देंगे, जिससे कि आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। बट इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस टू रजिस्टर योर यूएस बैंक अकाउंट, आप नीचे कमेंट कर सकते हो नए क्वेश्चंस और मैं उन क्वेश्चंस का जवाब भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। क्वेश्चंस पूछने की आदत डालो, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका दिमाग खुलेगा और आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज सीखने मिलेगी जो शायद मैं कम कवर नहीं कर पाता हूँ किसी वीडियोस में, राइट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू ओपन द यूएस बैंक अकाउंट। तो आपको सबसे पहले तो आपके पास EIN होना चाहिए, जो आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे थ्रू रजिस्टर कर रहे हो। आपको ये मारिया के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, राइट, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी ये होता है डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर रजिस्टरिंग योर LLC और C-Corp, योर पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट का PDF होना बहुत ज़रूरी है, और आपके बिजनेस के लिए एक एड्रेस जो आपको रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू मिल जाएगा, जिसके लिए ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है फॉर अ ईयरली बेसिस, राइट। तो ये सारी डिटेल्स आपको लगेगी टू ओपन योर US बैंक अकाउंट। इसका कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ US बैंक अकाउंट विद योर US बिजनेस विथ Mercury इज ज़ीरो, राइट। ज़ीरो एडिशनल चार्जेस लगेंगे आपको ओवर एंड अबव जो आपने ऑलरेडी पे किया होगा इनको ऑपरेशन के लिए, उसी के साथ इसका सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। देयरफॉर अगर आप हमारे थ्रू अपना US बिजनेस रजिस्टर करते हो तो मारिया विल हेल्प यू टू गेट योर Mercury एप्लीकेशन डन करेक्टली, एंड यू कैन डू दिस विथ हर विद द हेल्प ऑफ मारिया। डू यू नीड टू ट्रैवल टू USA टू रजिस्टर योर US बैंक अकाउंट? पहले आपको ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती थी, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी था, बट नाउ बिकॉज ऑफ Mercury बैंक यू डोंट नीड टू ट्रैवल टू US टू रजिस्टर योर US बैंक अकाउंट। डू यू नीड टू हैव वीज़ा टू ओपन योर US बैंक अकाउंट? दी आंसर अगेन इज नो, बिकॉज आपको ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो आपको US वीज़ा का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, देयरफॉर आपको US वीज़ा की जरूरत नहीं है। डू यू नीड टू हैव अ रजिस्टर्ड US बिजनेस? दी आंसर इज येस, आपके पास एज अ फॉरन सिटीजन, एज अ इंडियन सिटीजन, यू ओनली हैव टू ऑप्शंस, या तो आप LLC रजिस्टर कर लो या तो आप C-Corp रजिस्टर कर लो। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो आपको LLC ओपन करना है या C-Corp ओपन करना है, बट ऑलरेडी वैसे गूगल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपको LLC ओपन करना है या C-Corp ओपन करना है, आप मेरे साथ एक कॉल स्केड्यूल कर सकते हो या फिर आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हो। What if your application is rejected by Mercury? इस सिनेरियो में आपको मारिया हेल्प कर देगी। Although अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखा है, अगर आपने वीडियो के नोट्स बनाए हैं, अगर आपने वीडियो का टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है और वो टेम्पलेट आप फिल करो
और वहाँ पे जो भी चेकलिस्ट है वो आप चेक मार्क करो बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अगर आप सारा एप्लीकेशन प्रोसेस तरीके से करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर, राइट? आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो ही नहीं सकता अनलेस यू प्रोवाइड सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो अगर आपको एक रिव्यू चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर हेल्प चाहिए तो आप मारिया से ऑलवेज कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू यूज़ हर सर्विसेज और आर सर्विसेज टू रजिस्टर योर कंपनी। आर देयर एनी alternatives टू Mercury बैंक? एट प्रेजेंट देर आर नो alternatives टू Mercury बैंक। अगर आपको ये रिमोटली करना है, मतलब अगर आपको बिना US जाए अपना US बैंक अकाउंट खोलना है, तो फिलहाल मार्केट में कोई भी alternatives अवेलेबल नहीं है, आपको Mercury बैंक ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि Mercury बैंक का बैकएंड इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट है, जो बहुत ही पुराना स्टेबल US बैंक है, विच हैज़ नेवर बीन आउट ऑफ बिजनेस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड आपका जो पैसा Mercury में होगा वो भी इंश्योर्ड है अप टू 1.8 CR या फिर $250,000, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो बैंक अच्छा है या नहीं है। आपको उस बैंक को यूज करने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। गो अहेड एंड रजिस्टर योर US बैंक अकाउंट। और देन आई होप आप सबको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिल गया। आई होप आप सबने बहुत सारे नोट्स बना लिए हैं और आई होप आपने लाइक बटन भी दबा दिया है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये वीडियो एक 6-part सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें से 2 वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं जो मैं यहाँ पे लिंक कर चुका हूँ, राइट? और अगर आपको आगे की वीडियोज़ भी फॉलो करने हैं सो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपने मिशन फॉर्म नहीं भरा है तो ये एक छोटा रिमाइंडर है कि आपको मिशन फॉर्म भर देना चाहिए। डेल्टा 4 कॉमर्स कोर्स सून आ रहा है, जो आपको ये सिखाएगा कि आप कैसे अपना अमेज़ॉन ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च कर सकते हो बाय बीइंग इन इंडिया, इन द US एंड सेल योर प्रोडक्ट्स ग्लोबली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।